Hello students, welcome to the next video of DSSSB Computer Science. So till now we have discussed 115 questions of computer science in operating system. So now we will start from the next question, that is 116, and today we will cover all 200 questions. So little introduction about me. My name is Abdul Qadir and I have BTech and MTech in computer science and qualified several competitive examinations like GATE and UGC NET. So I have qualified GRF, UGCNET GRF recently and GATE several times. So question number 116. The number of resources requested by a process must always be less than the total number of resources available in the system. Must always be equal to the total number of resources available in the system. Must not exceed the total number of resources available in the system. Must exceed the total number of resources available in the system. सो अगर कोई प्रोसेस रिसोर्सेज रिक्वेस्ट कर रही है वो उतनी ही रिसोर्स रिक्वेस्ट कर सकती है जितनी सिस्टम के अंदर अवेलेबल है उससे ज्यादा वो रिक्वेस्ट नहीं कर सकती सो ऑब्वियसली हमारे पास में ये कोई ऑप्शन तो गलत ही है मस्ट एक्सीड द टोटल नंबर ऑफ रिसोर्सेज अवेलेबल इन द सिस्टम ओके सो दिस इज द राइट आंसर मस्ट नॉट एक्सीड द टोटल नंबर ऑफ रिसोर्सेज अवेलेबल इन द सिस्टम अगर एक सिस्टम में जितनी रिसोर्सेज अवेलेबल है उससे ज्यादा आप रिक्वेस्ट कर रहे हो दैट इज इलीगल तो आप उतनी रिसोर्स रिक्वेस्ट कर सकते हो जितनी अवेलेबल है सिस्टम के अंदर या उससे कम द रिक्वेस्ट एंड रिलीज ऑफ रिसोर्सेज आर सिस्टम कॉल्स तो हमेशा कोई भी प्रोसेस जब रिसोर्स को यूज करेगी तो वो तीन चीज करेगी पहले रिसोर्स को रिक्वेस्ट करेगी हर एक रिक्वेस्ट रिसोर्स को पहले रिक्वेस्ट करेगी और रिक्वेस्ट कैसे करेगी कोई भी यूजर प्रोसेस होगी अगर उसको कोई भी रिसोर्स यूज करनी है रिसोर्स का मतलब क्या है रिसोर्स कंप्यूटर के अंदर बहुत सारी है लॉजिकल भी हो सकती है और फिजिकल भी हो सकती है फॉर एग्जांपल अगर मैं फिजिकल रिसोर्सेज के बारे में बात करूं तो एक कंप्यूटर सिस्टम के अंदर हार्डवेयर की बात कर रहे हैं लेट्स से सीपीयू मेन मेमोरी इनपुट आउटपुट डिवाइसेज ये सब क्या है आपके हार्डवेयर जो फिजिकल रिसोर्सेज है लॉजिकल रिसोर्सेज या वर्चुअल रिसोर्सेज कौन कौन सी है फाइल हो गया डेटाबेस हो गया ये सब क्या है लॉजिकल रिसोर्सेज है तो कोई भी रिसोर्स यूजर डायरेक्ट यूज नहीं कर सकता है पहले वो ऑपरेटिंग सिस्टम से रिक्वेस्ट करेगा और जैसे हमने कल बात की थी ऑपरेटिंग सिस्टम से अगर कुछ भी रिक्वेस्ट करते हो वो सिस्टम कॉल्स के थ्रू करते हो रिक्वेस्ट करने के बाद में आप उसको यूज करोगे एंड देन फाइनली रिलीज तो ये तीन काम करेगी हर एक प्रोसेस एक रिसोर्स के साथ में पहले रिक्वेस्ट करेगी अगर मिल गई रिसोर्स तो उसको यूज करेगी यूज करने के बाद में रिलीज करना भी जरूरी है और ये रिक्वेस्ट एंड रिलीज एक सिस्टम कॉल्स के थ्रू होंगे अलग अलग सिस्टम कॉल्स के थ्रू क्वेश्चन नंबर 118 मल्टी थ्रेडेड प्रोग्राम आर लेसर प्रोन टू डेडलॉक मोर प्रोन टू डेडलॉक्स नॉट एट ऑल प्रोन टू डेडलॉक और नन ऑफ द मेंशनड अबव जो मल्टी थ्रेडेड प्रोग्राम होगा उसमें डेडलॉक के कितने चांसेस हैं मल्टी थ्रेडेड प्रोग्राम का मतलब क्या है आप सिंपली आपने थ्रेड के बारे में सुना होगा थ्रेड दो तरह की हो सकती है या तो वो यूजर थ्रेड हो या फिर कर्नल थ्रेड हो जो कर्नल लेवल थ्रेड होगी वो ऑपरेटिंग सिस्टम उनको मैनेज कर सकता है क्योंकि कर्नल लेवल थ्रेड्स विजिबल है ऑपरेटिंग सिस्टम को तो उनको शेड्यूल कर सकता है इंडिविजुअली लेकिन यूजर लेवल थ्रेड्स जो है वो ऑपरेटिंग सिस्टम को विजिबल नहीं है इसीलिए जब ऑपरेटिंग सिस्टम शेड्यूल करता है यूजर प्रोसेस को तो उसको वो उन थ्रेड्स के बारे में अवेयर नहीं होगा जो उस प्रोसेस के अंदर है तो मल्टी थ्रेडेड प्रोग्राम जो है वो प्रोग्रामर लिखेगा वो प्रोग्रामर लाइब्रेरीज का यूज करेगा फॉर एग्जाम्पल सी लैंग्वेज में आप पी थ्रेड यूज कर सकते हो ओके पी थ्रेड अवेलेबल है आपके पास भी विंडोज एक्सपी में और विंडोज यूनिक्स में तो लाइक दिस हमारे पास में कई सारे पैकेजेस अवेलेबल है हेडर फाइल्स अवेलेबल है थ्रेडिंग के लिए उनको आप इंक्लूड करके मल्टी थ्रेडेड प्रोग्राम लिख सकते हो जब एक प्रोग्राम मल्टीपल थ्रेड्स में डिवाइड हो गया है तो उसमें एरर के कितने चांसेज है अगर एक जिस प्रोसेस के वो थ्रेड है अगर उस प्रोसेस पर डेडलॉक लग रहा है तो सारी की सारी थ्रेड्स जो है वो डेडलॉक में लग जाएगी क्योंकि इनमें से कोई भी थ्रेड जो है एग्जीक्यूट ही नहीं हो पाएगी तो अगर उन थ्रेड्स में से कोई एक प्रोसेस की कई सारे थ्रेड्स हैं और उनमें से कोई एक थ्रेड जो है वो डेडलॉक में आ गई है तो पूरी प्रोसेस डेडलॉक में लग जाएगी तो अब चांसेस जो है डेडलॉक के बढ़ गए हैं क्योंकि पहले एक प्रोसेस डेडलॉक में लग सकती थी लेकिन अब क्या है एक प्रोसेस की 10 थ्रेड्स हैं और 10 में से एक भी थ्रेड डेडलॉक में गई तो पूरी प्रोसेस डेडलॉक में चली जाएगी तो मोर प्रोन टू डेडलॉक अगर आप थ्रेड प्रोग्राम लिख रहे हो दैट इज मोर प्रोन टू डेडलॉक क्वेश्चन नंबर 119 फॉर अ डेडलॉक टू अराइज विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशंस मस्ट होल्ड साइमल्टेनियसली डेडलॉक होने के लिए इनमें से कौन कौन सी कंडीशंस एक साथ होनी चाहिए हमने कल नेसेसरी कंडीशंस के बारे में बात की थी नेसेसरी कंडीशंस डेडलॉक के लिए तो डेडलॉक के लिए चार नेसेसरी कंडीशंस हैं जैसे म्यूचुअल एक्सक्लूजन हो गया होल्ड एंड वेट उसके बाद में नो प्रीमिशन
एंड देन सर्कुलर वेट, ये चार कंडीशंस थी डेडलॉक के लिए, ये नेसेसरी कंडीशंस है। नेसेसरी कंडीशन मींस अगर डेडलॉक लगना है तो ये चारों कंडीशन होनी जरूरी है, अगर इनमें से एक कंडीशन भी नहीं हुई तो डेडलॉक नहीं होगा। तो ऑप्शन है डी, ऑल ऑफ द मेंशनड अबव। 120 फॉर म्यूचुअल एक्सक्लूजन टू प्रिवेल इन द सिस्टम At least one resource must be held in a non-shareable mode. The processor must be a uniprocessor rather than multiprocessor. There must be at least one resource in a shareable mode. Mutual exclusion का मतलब क्या है? ये कह रहा है कि एक सिस्टम में म्यूचुअल एक्सक्लूजन होने के लिए क्या कंडीशन होनी चाहिए। म्यूचुअल एक्सक्लूजन का मतलब ये है कि कोई भी रिसोर्स होगी, अगर हम कहें कि दो प्रोसेस के बीच में म्यूचुअल एक्सक्लूजन है, इसका मतलब ये कह रहे हैं कि वो शेयरेबल रिसोर्स जो होगी वो रिसोर्स, अगर दो प्रोसेस है और वो सेम उसी रिसोर्स को यूज़ कर रही है तो उसको बोलते हैं शेयरेबल रिसोर्स। तो एटलीस्ट एक शेयरेबल रिसोर्स होनी चाहिए और जिसको एक टाइम पे एक ही प्रोसेस आपकी यूज़ कर रही हो। ओके, तो देर मस्ट बी एटलीस्ट वन रिसोर्स इन ए शेयरेबल मोड। अगर कोई भी रिसोर्स शेयर मोड में नहीं है तो म्यूचुअल एक्सक्लूजन का कोई सवाल ही नहीं है। म्यूचुअल एक्सक्लूजन का सवाल तभी आता है जब कोई रिसोर्स शेयरेबल है और उसको कई सारी प्रोसेस एक साथ एक्सेस करने की कोशिश कर रही है, इसीलिए हम कहते हैं कि शेयरेबल रिसोर्सेज को हम क्रिटिकल सेक्शन के अंदर यूज़ करते हैं, मॉडिफाई करते हैं या जो भी करते हैं, लेकिन वो क्रिटिकल सेक्शन के अंदर करेंगे। और प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन से सॉल्यूशन ये मिलता है कि म्यूचुअल एक्सक्लूजन जो आपकी क्रिटिकल सेक्शंस हैं उसमें म्यूचुअल एक्सक्लूजन ज़रूरी है, मतलब एक टाइम पे एक ही प्रोसेस अपने म्यूचुअल एक्सक्लूजन अपने क्रिटिकल सेक्शन में एग्जीक्यूट कर रही हो, उसको बोलते हैं म्यूचुअल एक्सक्लूजन। तो म्यूचुअल एक्सक्लूजन होने के लिए शेयरेबल एक एटलीस्ट एक प्रोसेस का शेयर मोड में होना ज़रूरी है। फॉर ए होल्ड एंड वेट कंडीशन टू प्रिवेल, होल्ड एंड वेट का मतलब क्या है कि कोई प्रोसेस एक रिसोर्स को होल्ड किए हुए है और दूसरी के लिए वेट कर रही है। फॉर एग्जाम्पल ये प्रोसेस है P1 और दो रिसोर्सेज है R1 एंड R2 और एक और प्रोसेस है P2। तो होल्ड एंड वेट का मतलब क्या है कि लेट से R1 से एज है P1 की तरफ, तो इसका मतलब ये कि R1 रिसोर्स असाइंड है प्रोसेस P1 को एंड P1 से एक एज है R2 के अंदर। इसका मतलब क्या है कि P1 ने R1 को होल्ड किया हुआ है और R2 के लिए वेट कर रही है, इन दो एजेस का मतलब ये है। ओके, अ प्रोसेस मस्ट बी नॉट बीइंग होल्डिंग ए रिसोर्स बट वेटिंग फॉर वन टू बी फ्रीड एंड देन रिक्वेस्ट टू एक्वायर इट। नो, अ प्रोसेस मस्ट बी होल्डिंग एटलीस्ट वन रिसोर्स एंड वेटिंग टू एक्वायर एडिशनल रिसोर्सेज दैट आर बीइंग हेल्ड बाय अदर प्रोसेसेस। ये सही डेफिनेशन है। ये कह रहा है कि कोई भी प्रोसेस होल्ड एंड वेट में होने के लिए एक रिसोर्स वो पहले से ही होल्ड करके रखे हुए हो और दूसरी किसी रिसोर्स के लिए वेट कर रहा हो जो पहले से किसी और प्रोसेस ने होल्ड किया हुआ है, उसको बोलते हैं होल्ड एंड वेट कंडीशन। सो क्वेश्चन नंबर 122, डेडलॉक प्रिवेंशन इज अ सेट ऑफ मेथड्स टू इंश्योर दैट एटलीस्ट वन ऑफ द नेसेसरी कंडीशन कैन नॉट होल्ड, टू इंश्योर दैट ऑल ऑफ द नेसेसरी कंडीशन डू नॉट होल्ड, to decide if the requested resource for a process have to be given or not, or to recover from the deadlock. This is deadlock recovery. Okay. And this is deadlock avoidance. तो हम deadlock prevention में क्या करते हैं? Deadlock मैंने बताया अभी, deadlock के लिए चार condition जरूरी है। चार condition जो हमें पता है, no preemption, starvation, hold and wait and circular wait. तो उनमें से अगर आप एक भी condition prevent कर पाओ तो deadlock नहीं लगेगा, क्योंकि नेसेसरी कंडीशन है। नेसेसरी कंडीशन का मतलब यही है कि चारों कंडीशन एक साथ होगी तो ही डेडलॉक होगा। तो हम अगर उनमें से एक कंडीशन को भी प्रिवेंट कर पाए होने से तो डेडलॉक नहीं लगेगा, टू इंश्योर दैट एटलीस्ट वन ऑफ द नेसेसरी कंडीशन कैन नॉट होल्ड। फॉर नॉन शेयरेबल रिसोर्सेज लाइक ए प्रिंटर, म्यूचुअल एक्सक्लूजन मस्ट एग्जिस्ट, मस्ट नॉट एग्जिस्ट, मे एग्जिस्ट और नन ऑफ द मेंशनड अबव। अगर कोई रिसोर्स है जो कि नॉन शेयरेबल है तो क्या उसमें म्यूचुअल एक्सक्लूजन एग्जिट कर सकता है? मैंने अभी बताया था कि अगर म्यूचुअल एक्सक्लूजन के लिए कंडीशन ज़रूरी है कि रिसोर्स जो है वो शेयरेबल मोड में होनी चाहिए। ओके, तो अगर कोई रिसोर्स शेयरेबल है, नॉन शेयरेबल है, नॉन शेयरेबल का मतलब ये है कि उसे उस रिसोर्स को एक टाइम पे एक ही बंदा एक्सेस कर सकता है, एक ही प्रोसेस एक्सेस कर सकती है, क्योंकि रिसोर्स ही नॉन शेयरेबल है। तो अगर रिसोर्स नॉन शेयरेबल है तो म्यूचुअल एक्सक्लूजन का सवाल ही नहीं उठता है, क्योंकि जब म्यूचुअल एक्सक्लूजन की बात करते हैं तो हम कहते हैं कि जो रिसोर्स हैं वो शेयरेबल है लेकिन एक टाइम पे एक ही बंदा एक्सेस करेगा उसको। ओके, तो नॉन शेयरेबल मस्ट नॉट एग्जिस्ट। फॉर शेयरेबल रिसोर्सेज म्यूचुअल एक्सक्लूजन इज रिक्वायर्ड, जैसे हमने अभी बात की।
To ensure that the hold and wait condition never occurs in the system, it must be ensured that अगर आपको hold and wait condition को prevent करना है, तो आप क्या कर सकते हो? पहली चीज, whenever a resource is requested by a process, it is not holding any other resource. This is true. ऐसा कर सकते हैं. Each process must request and be allocated all of its resources before it begins its execution. ये भी solution सही है. A process can request resource only when it has none. ये भी सही है. तो सारे के सारे solution सही है. Hold and wait को prevent करने के लिए. Hold and wait का मतलब क्या है? Hold and wait का मतलब ये कि मैंने एक resource को hold किया हुआ है और दूसरे के लिए wait कर रहा हूँ. तो पहला option यही कह रहा है कि whenever a resource is requested, जब कोई process को resource को request कर रहा है, तो वो पहले से कोई hold नहीं करके रखा हुआ है. मतलब वो अभी उसके पास में zero resources है. तभी वो रिक्वेस्ट करे. अगर उसने कोई होल्ड करके नहीं रखी हुई है तो ही रिक्वेस्ट करे. बी कह रहा है कि ईच प्रोसेस मस्ट रिक्वेस्ट एंड अलोकेटेड ऑल ऑफ इट्स रिसोर्सेज बिफोर इट बिगिंस इट्स एग्जीक्यूशन. ये सही है. ये कह रहा है कि अगर कोई भी प्रोसेस हम सारी रिसोर्सेज कोई प्रोसेस को उसके स्टार्ट होने से पहले ही दे पाए, तो ऑब्वियसली जब एग्जीक्यूट कर रही होगी प्रोसेस तो वो कोई भी रिसोर्स रिक्वेस्ट ही नहीं करेगी. ओके, क्योंकि सारी की सारी रिसोर्सेज हमने उसको स्टार्ट होने से पहले ही दे दी है. इसी तरह का एक प्रोटोकॉल भी है ट्रांजेक्शन एंड कॉन्करेंसी कंट्रोल में, डेडलॉक प्रिवेंट करने के लिए, टू फेस लॉकिंग प्रोटोकॉल में. उसको बोलते हैं आई थिंक कंजर्वेटिव टू फेस लॉकिंग प्रोटोकॉल. कंजर्वेटिव टू फेस लॉकिंग प्रोटोकॉल में यही करते हैं कि एक ट्रांजेक्शन को स्टार्ट होने से पहले उसके सारे के सारे डेटा आइटम्स असाइन कर देते हैं. तो ये तीन के तीन ऑप्शन होल्ड एंड वेट को प्रिवेंट कर देंगे. द डिसएडवांटेज ऑफ ए प्रोसेस बींग एलोकेटेड All resources before beginning its execution. अगर हम किसी प्रोसेस को उसके स्टार्ट होने से पहले ही सारी की सारी रिसोर्सेज दे दें, उसको नुकसान क्या होगा, डिसएडवांटेज क्या होगी? एक डिसएडवांटेज होगी, वो होगी लो रिसोर्स यूटिलाइजेशन. रिसोर्स का बहुत ही बेकार यूटिलाइजेशन होगा. क्योंकि अगर आपने लेट से एक प्रोसेस थी पी और उसने आपको उसको रिसोर्सेज चाहिए थी R1, R2, R3, R4, तो आपने पहले ही प्रोसेस को स्टार्ट होने से पहले सारी की सारी रिसोर्सेज दे दी. लेकिन एक्चुअल में क्या होता है, कोई भी प्रोसेस एक साथ सारी की सारी रिसोर्सेज यूज़ नहीं कर रहा होता है. ऐसा नहीं होगा कि वो प्रिंटर भी यूज़ कर रहा है एक साथ ही, हार्ड डिस्क भी यूज़ कर रहा है, मेमोरी भी यूज़ कर रहा है और CPU भी यूज़ कर रहा है. ऐसा पॉसिबल नहीं होगा. एक टाइम पर एक या दो ही रिसोर्सेज यूज़ कर रहा होगा कोई भी प्रोसेस, तो बाकी जो रिसोर्सेज हैं वो क्या होगी, आइडल पड़ी हुई होगी. आइडल मीन्स क्योंकि आप ये किसी और को दे नहीं सकते हो, क्योंकि आपने पहले P1 को असाइन की हुई है इसके स्टार्ट होने से पहले ही, तो ये आप किसी और को दे नहीं पाओगे और ये आइडल भी है. जब ये फ्री हैं तो ऐसा होना चाहिए ना किसी और रिसोर्स, किसी और प्रोसेस को हम इसको असाइन कर दें. लेकिन आप किसी और को असाइन भी नहीं कर पा रहे हो. क्यों? क्योंकि आपने पहले ये P1 को असाइन की हुई है स्टार्ट होने से पहले ही, तो रिसोर्सेज का लो यूटिलाइजेशन होगा, यूटिलाइजेशन अच्छा नहीं होगा. सो 127, टू इंश्योर नो प्रीम्पशन इफ ए प्रोसेस इज होल्डिंग सम रिसोर्स एंड रिक्वेस्ट अनदर रिसोर्स दैट कैन नॉट बी इमीडिएटली एलोकेटेड टू इट, तो देन द प्रोसेस वेट्स फॉर द रिसोर्स बी एलोकेटेड टू इट. द प्रोसेस कीप्स सेंडिंग रिक्वेस्ट अंटिल द रिसोर्स इज एलोकेटेड टू इट. द प्रोसेस रिज्यूम्स एग्जीक्यूशन विदाउट द रिसोर्स बींग एलोकेटेड टू इट. देन ऑल रिसोर्सेज करंटली बींग हेल्ड आर प्रिम्प्टेड टू इंश्योर नो प्रिम्प्शन. ओके, ये कह रहा है कि नो प्रिम्प्शन मीन्स, नो प्रिम्प्शन का मतलब ये कि आप किसी से कोई रिसोर्स छीन नहीं सकते हो. तो नो प्रिम्प्शन, टू इंश्योर नो प्रिम्प्शन, नो प्रिम्प्शन इंश्योर करने के लिए, इफ़ ए प्रोसेस इज होल्डिंग सम रिसोर्स, एक प्रोसेस ने कुछ रिसोर्सेज होल्ड की हुई है और वो अनदर रिसोर्सेज का वेट कर रहा है जो कि उसे अभी तक एक साथ नहीं मिल सकती, जो उसको अभी नहीं मिल सकती, दैट कैन नॉट बी इमीडिएटली एलोकेटेड टू इट. तो क्या करना चाहिए? तो सबसे अच्छा तरीका ये है कि जो उसने रिसोर्सेज होल्ड की हुई थी वो भी उससे ले ली जाए. देन ऑल रिसोर्सेज करंटली बींग हेल्ड आर प्रिम्प्टेड. प्रिम्प्टेड का मतलब क्या है कि उससे छीन ली जाए वो. तो सबसे अच्छा तरीका यही है. ये हम ट्रांजेक्शन कॉन्करेंसी कंट्रोल में भी देख चुके हैं, जिसको हम वाउंड वेट बोलते हैं. ओके, डेडलॉक प्रिवेंशन स्कीम्स इन टू फेस लॉकिंग प्रोटोकॉल. तो पहला कह रहा है कि देन द प्रोसेस वेट्स फॉर द रिसोर्सेज बी एलोकेटेड टू इट. ओके, ये बहुत पता नहीं कब तक वेट, क्या पता इसको लाइफ टाइम के लिए वेट करना पड़े. स्टारवेशन हो सकता है इस केस में, तो ये सही नहीं है. स्टारवेशन क्यों हो सकता है? कि नई हाई प्रायोरिटी प्रोसेस आती रहें और रिसोर्सेज उनको असाइन होती रहें और ये जो वेट कर रही है प्रोसेस, ये वेट ही करती रह जाए. द प्रोसेस कीप सेंडिंग रिक्वेस्ट अंटिल द रिसोर्सेज एलोकेटेड टू इट. ओके, इसमें भी नुकसान है क्योंकि इसमें CPU का टाइम बहुत वेस्ट होगा, आप बिजी वेटिंग कर रहे हो. द प्रोसेस रिज्यूम्स पॉसिबल ही नहीं है, बिना रिसोर्स के आप रिज्यूम कर ही नहीं सकते हो, एग्जीक्यूशन रिज्यूम नहीं कर सकते हो. तो डी एक अच्छा तरीका है,
जो बुक्स में भी हैं, ऑल रिसोर्सेज करंटली बींग हेल्ड आर परमिटेड, जो उसके पास जो उसने अभी भी रिसोर्सेज होल्ड की हुई थी वो भी उससे ले ली जाएँ, अगर उसको वो हम नहीं दे सकते जो वो रिक्वेस्ट कर रहा है। 128 वन वे टू इंश्योर दैट द सर्कुलर वेट कंडीशन नेवर होल्ड्स इज टू, अगर हमें सर्कुलर वेट कंडीशन बचानी है तो हम क्या कर सकते हैं, इम्पोज अ टोटल ऑर्डरिंग ऑफ ऑल रिसोर्सिस टाइप्स एंड टू डिटरमाइन वेदर वन प्रोसेस वन प्रिसीड्स अनदर इन द ऑर्डरिंग, टू नेवर लेट अ प्रोसेस अक्वायर रिसोर्स दैट आर हेल्ड बाई अदर प्रोसेस, टू लेट अ प्रोसेस वेट फॉर ओनली वन रिसोर्स एट ए टाइम। तो सबसे अच्छा सोल्यूशन ये है कि आप रिसोर्सेज को ऑर्डर पे कर दो, रिसोर्सेज पे भी ऑर्डरिंग कर दो और प्रोसेस पे भी ऑर्डरिंग कर दो, और एक प्रोसेस किसी भी रिसोर्स को एक इंक्रीजिंग ऑर्डर में ही रिक्वेस्ट करें या फिर डिक्रीजिंग ऑर्डर में ही रिक्वेस्ट करें, किसी एक प्रॉपर ऑर्डर में रिक्वेस्ट करें, तो होल्ड एंड वेट कंडीशन सर्कुलर वेट कंडीशन वायलेट हो जाएगी। सो क्वेश्चन नंबर 129 और ये क्वेश्चन है आपका गेट 1990 से, मैच करने हैं क्रिटिकल सेक्शन इज क्रिटिकल रीजन इज मैचिंग विथ म्यूचुअल एक्सक्लूजन, वेट एंड सिग्नल वर्किंग सेट डेडलॉक, डेडलॉक इज मैचिंग विथ सर्कुलर वेट, वर्किंग सेट प्रिंसिपल ऑफ लोकेलिटी एंड देन वेट एंड सिग्नल हॉर्स मॉनिटर, तो इस तरह से इनको मैचिंग कर सकते हैं। 1996 का क्वेश्चन है, अ क्रिटिकल सेक्शन इज ए प्रोग्राम सेगमेंट, मैंने बताया था क्रिटिकल सेक्शन की डेफिनेशन क्या है, क्रिटिकल सेक्शन की डेफिनेशन ये है कि जहाँ पर हम शेयरेबल रिसोर्सेज को एक्सेस करते हैं, वेयर शेयर्ड रिसोर्सेज आर एक्सेस्ड, सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन है गेट 1996 से और ये क्वेश्चन है आपका 130 एंड देन ये क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 131। A solution to the dining philosopher problem which avoids deadlock is to, dining philosopher एक problem है process synchronization में जिसमें हमारे पास है 5 philosopher है और 5 chopstick है और इस तरह से कुछ problem है, अगर आपने problem नहीं देखी अभी तक, यहाँ पे आपके rice रखे हुए हैं और कुछ philosopher बैठे हुए हैं like this, philosopher P1 एक table round table है, उस round table पे philosopher में 5। तो इन फिलोसफर का काम क्या है, ये फिलोसफर दो ही काम करते हैं, या तो सोचते हैं या खाएंगे, तो जब ये हंगरी फील करेंगे तो ये खाने की कोशिश करेंगे, और खाने के लिए इनको क्या करना है, खाने के लिए इनको दो चीज़ चाहिए, यहाँ पे 5 चॉपस्टिक रखी हुई है, हर दो फिलोसफर्स के बीच में एक चॉपस्टिक, चॉपस्टिक C1 इसी तरह यहाँ पर रखी हुई है, चॉपस्टिक C2 C3 C4 एंड C5। तो 5 चॉपस्टिक है, जब भी कोई खाने की कोशिश करेगा तो अपने लेफ्ट एंड राइट दोनों की तरफ चॉपस्टिक उठाएगा, क्योंकि उसको खाने के लिए 2 चॉपस्टिक चाहिए होती है। अब प्रॉब्लम ये, अगर 5 के 5 एक साथ खाने के लिए हंगरी हो गए, फर्स्ट कंडीशन ये कि 5 के 5 एक साथ हंगरी फील कर रहे हैं और 5 के 5 एक साथ खाने की कोशिश करेंगे, तो जब हर किसी को 2 चॉपस्टिक चाहिए और आपके पास में टोटली 5 चॉपस्टिक अवेलेबल हैं, तो टोटल 10 चॉपस्टिक चाहिए, मतलब 10 रिसोर्सेज चाहिए आपको सेटिस्फाई करने के लिए, क्योंकि P1 भी इन दोनों को उठाने की कोशिश करेगा, P2 इन दोनों को उठाने की कोशिश करेगा, P3 इन दोनों को उठाने की कोशिश करेगा एंड P4 इन दोनों को एंड P5 इन दोनों को, तो एक साथ सारे के सारे नहीं खा पाएंगे, ये तो हमें श्योरली पता है, तो डेडलॉक लग जाएगा। अब मेरे पास में सॉल्यूशंस हैं, पहला कह रहा है कि इंश्योर दैट फिलोसफर्स पिक अप द लेफ्ट फोर्क बिफोर द राइट फोर्क, ये कह रहा है कि सारे फिलोसफर पहले लेफ्ट फोर्क उठाएं और फिर उसके बाद में राइट फोर्क, उससे क्या नुकसान होगा, P1 का लेफ्ट ये है, तो P1 C5 उठा लेगा, P5 C4 P4 C3 P3 C2 एंड P2 C1 उठा लेगा, ये सब उठा के बैठ जाएंगे अपनी लेफ्ट सब पहले, अब बारी आएगी उनको राइट उठानी है, अब जब P1 राइट उठाने की कोशिश करेगा वो P2 ने पहले उठा के रखी हुई है, P2 अपनी राइट उठाने की कोशिश करेगा वो पहले P3 ने उठा रखी है, तो इस तरह से P1 P2 के लिए वेट करेगा, P2 P3 के लिए, P3 P4 P4 P5 के लिए एंड P5 P1 के लिए, सर्कुलर वेट लग गया, डेड लॉक लग गया, तो ये तो सॉल्यूशन अच्छा नहीं है। इंश्योर दैट ऑल फिलोसफर्स पिक अप द राइट फोर्क बिफोर द लेफ्ट फोर्क, वही बात आ गई, तो सबने अगर पहले अपनी, इसने कहा कि पहले तुम ऐसा करो, पहले सब के सब अपनी अपनी राइट उठाओ, P1
P1 ने C1 उठाई, P2 ने C2 उठाई, P3 ने C3, like this P4 ने C4 and P5 ने C5, सब अपने अपनी राइट उठा के बैठ गए। अब उसने कहा कि लेफ्ट उठाओ। अब P1 लेफ्ट उठाने की कोशिश करेगा तो वो पहले से P5 ने रखी हुई है, P5 उठाने की कोशिश करेगा वो पहले P4 ने रखी हुई है। तो इस तरह से अब क्या होगा, P1 P5 के लिए वेट कर रहा है, P5 P4 के लिए, P4 P3 के लिए, P3 P2 के लिए एंड P2 P1 के लिए, सर्कुलर वेट लग गया फिर से, सब साइकिल में वेट कर रहे हैं, तो डेड लॉक लग गया। इन शॉर्ट दैट वन पर्टिकुलर फिलोसोफर पिकअप्स द लेफ्ट फोर्क बिफोर द राइट फोर्क। इसने कहा कि इसने सर्कुलर वेट को तोड़ने के लिए एक सोल्यूशन दिया, इसने कहा कि कम से सार बाकी ऑल अदर फिलोसोफर पिकअप द राइट फोर्क बिफोर द लेफ्ट फोर्क, सिर्फ एक फिलोसोफर ऐसा हो जो पहले लेफ्ट उठाए उसके बाद में राइट, बाकी सब के सब पहले राइट उठाए। ओके, लेट्स से P2 है, तो ये कह रहा है कि P2 पहले तो अपना राइट लेफ्ट उठाए उसके बाद में राइट, तो P2 पहले ये उठाएगा और फिर C2 उठाएगा और बाकी सब जो होंगे अपने अपने लेफ्ट उठाएंगे पहले, सब अपने अपने राइट उठाएंगे, तो इस तरह से सर्कुलर वेट टूट जाएगा और डेडलॉक नहीं लगेगा, तो ये अच्छा सॉल्यूशन है सी। क्वेश्चन नंबर 132, ये क्वेश्चन कह रहा है कि आपके पास में इस तरह से प्रोसेस हैं, ईच प्रोसेस PI i = 1 to 9, नो प्रोसेस ऐसे हैं, नो प्रोसेस का कोड ऐसे हैं, P1 से लेके P9 तक का कोड ये है। ओके, तो अब इसने कहा पहले रिपीट फॉर एवर, इसको आप सिंपली ऐसे लिख सकते हो कि वाइल वन, इसको बोलते हैं बिजी वेट, पी म्यूटेक्स क्रिटिकल सेक्शन, उसके बाद में वी म्यूटेक्स, ये कोड है P1 से लेके P9 तक की जितनी प्रोसेसेस हैं। ओके, अब P10 के लिए थोड़ा अलग कोड है, वो कोड कैसे हैं, द कोड ऑफ फॉर P10 इज आइडेंटिकल एक्सेप्ट इट यूजेस वी म्यूटेक्स इन प्लेस ऑफ पी म्यूटेक्स, मतलब सिर्फ एक चीज़ चेंज करी, यहाँ पे पी म्यूटेक्स, यहाँ पे आपने वी म्यूटेक्स लगा दिया। और अगर याद हो हमने डिस्कस किया था लास्ट क्लास में कि जो वी है और पी है इसको वेट ऑपरेशन बोलते हैं और ये सिग्नल ऑपरेशन है, वेट ऑपरेशन म्यूटेक्स जो आपका बाइनरी सीमा फोर है उसकी वैल्यू इंक्रीज करेगा और सिग्नल ऑपरेशन इंक्रीज करेगा और वेट ऑपरेशन डिक्रीज करेगा, तो म्यूटेक्स की वैल्यू या तो 1 हो सकती है या 0 क्योंकि बाइनरी सीमा फोर है, तो लाइक दिस पास में चीज़ें हैं। तो ये कह रहा है व्हाट इज द लार्जेस्ट नंबर ऑफ प्रोसेसेस दैट कैन बी इनसाइड द क्रिटिकल सेक्शन एट एनी मोमेंट, किसी एक मोमेंट पे कितनी प्रोसेस क्रिटिकल सेक्शन के अंदर हो सकती है। इनिशियली म्यूटेक्स की वैल्यू 1 है, ओके म्यूटेक्स की वैल्यू 1 है, अब इसने कहा वेट, इसने वेट ऑपरेशन चलाया तो म्यूटेक्स की वैल्यू हो गई 0, क्रिटिकल सेक्शन में चला गया तो P1 क्रिटिकल सेक्शन में है, एक तो प्रोसेस ये हो गई, कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। अब P10 आई, जो P1 से लेके P9 तक प्रोसेस आएंगी, ओके P1 तो चलेगी लेकिन P2 से लेके P9 तक जो भी जाने की कोशिश करेगी वो नहीं जा पाएगी, वो सारी ब्लॉक हो जाएगी, क्यों, क्योंकि म्यूटेक्स की वैल्यू 0 हो गई है। जब म्यूटेक्स की, जब बाइनरी सीमा फोर की वैल्यू 0 होगी तो प्रोसेस जो उस पर वेट ऑपरेशन चलाएगी वो ब्लॉक हो जाएगी, क्योंकि सबका कोड यही है P1 से P9 तक, तो P2 से P9 तक सारी प्रोसेस ब्लॉक हो जाएगी। P10 आएगी, P10 ने कहा वी म्यूटेक्स, तो सिग्नल ऑपरेशन क्या करता है, वैल्यू को इंक्रीमेंट कर देगा, 1 कर देगा और क्रिटिकल सेक्शन में जाएगा, उसके बाद में वी म्यूटेक्स, वैल्यू 1 है पहले से ही तो 1 ही रहेगी, 2 नहीं होगी क्योंकि बाइनरी सीमा 4 है, तो ये 1 ही रहेगी। अब क्योंकि म्यूटेक्स की वैल्यू 1 हो गई है और P2 से P9 तक सबके सब वेटिंग क्यू में है, तो इनमें से कोई भी एक प्रोसेस आके एग्जीक्यूट कर सकती है, लेट्स से P2 एग्जीक्यूट कर गई, तो P1 P2 P10 P2 से लेके P9 तक कोई भी ये प्रोसेस एक साथ पैरेलली एग्जीक्यूट कर सकती है, तो P1 पक्का करेगी एग्जीक्यूट, P10 पक्का करेगी और P2 से लेके P9 तक कोई एक प्रोसेस आ जाएगी इसकी वजह से, इस कोड की वजह से, क्योंकि ये एक प्रोसेस को वेकअप कर देगा। ओके, तो 3 प्रोसेस एक साथ एग्जीक्यूट कर सकती है इस कोड के थ्रू। क्वेश्चन नंबर 133, तो ये क्वेश्चन प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन से है और ये कह रहा है कि आपके पास में 5 म्यूटेक्स हैं, बाइनरी सीमा फोर्स, जिसे मैंने बताया कि म्यूटेक्स को हम बाइनरी सीमा फोर भी बोलते हैं, M0 से M4 तक 5 हो गए, 5 बाइनरी सीमा फोर्स हैं और आपके पास में 5 ही प्रोसेस हैं। सपोज ईच प्रोसेस PI एग्जीक्यूट्स द फॉलोइंग कोड, हर एक प्रोसेस का ये कोड है, क्या कोड है, P4 तक ही है, ये पांच प्रोसेस आपके पास में, कोड क्या है, वेट
जो प्रोसेस P0 है, मैंने अभी i इक्वल टू 0 रखा तो M0 हो जाएगा, ये चला रही है वेट M0 पे, उसके बाद में वेट ऑन M1, ओके 0 प्लस 1 मोड 4 दैट मींस 1 मोड 4 मींस 1, उसके बाद में रिलीज करो पहले M0 को, ये वेट एंड रिलीज कुछ नहीं है, वेट एंड सिग्नल ऑपरेशंस हैं, रिलीज का मतलब सिग्नल ऑपरेशन। देन रिलीज M1, तो जो P1 होगी वो पहले वेट करेगी, इस पे वेट करेगी M1 पे, क्योंकि I की वैल्यू क्या है, 1 है यहाँ पे, और M2 के लिए, और फिर रिलीज करेगी इस तरह से, पहले M1 फिर M2, ये वेट करेगी M2 पे एंड M3, और ये M3 M4, ये करेगी M4 एंड M0, ओके यहाँ पे क्या आ जाएगा, I की वैल्यू 4 है तो 4 प्लस 1 5, 5 मोड 4 इज 1, ओके सो लाइक दिस, ये वेट करेगी जो P4 होगी वो वेट करेगी 1 के लिए, और जो P3 होगी वो वेट करेगी P4 के लिए, तो लाइक दिस इस ये कोड होगा इन सब प्रोसेसेस का। अब क्या हो रहा है, आपने वेट M0 पे लगाया, M1 पे लगाया, इसने किस पे लगाया, वेट M1 पे और M2 पे, लेट से सबने अपनी अपनी पहली लाइन सबने एक साथ एग्जीक्यूट करी, सबने अपनी पहली लाइन एग्जीक्यूट करी, तो क्या हुआ, सब लॉक करके बैठ गए, P0 ने किसे लॉक किया, P0 ने M0 को यूज़ कर लिया है, P1 ने M1 को यूज़ कर लिया जब पहली लाइन एग्जीक्यूट हुई, क्योंकि इसने वेट किस पे लगाया है, M1 पे, P2 ने M2 को लॉक कर लिया है, P3 ने M3 के लिए, एंड P4 ने M4 को, इन सब को लॉक कर लिया है। अब अगली लाइन पे आए, अगली लाइन पे क्या है, रिक्वेस्ट कर रहा है P0 किस पे, M1 पे, अब P0 को M1 भी चाहिए, लेकिन जो M1 है वो रिक्वेस्ट वो किसने होल्ड किया हुआ है, P1 ने, और P1 अब सब अपनी अपनी सेकंड लाइन एग्जीक्यूट करेंगे, अब जब P1 आएगा, P1 लगाएगा M2 पे, लेकिन M2 पहले से होल्ड किया हुआ है P2 ने, अब P2 आएगा वो रिक्वेस्ट करेगा M3, वो पहले से होल्ड किया हुआ है P3 ने, इसी तरह से सबके सब एक दूसरे के लिए वेट कर रहे हैं, तो क्या हो रहा है, सर्कुलर वेट कर रहे हैं, ओके तो इस साइकिल तोड़ नहीं सकते हैं आप, नहीं तोड़ सकते, तो इस केस में क्या हो रहा है, स्टार्वेशन भी हो रहा है और डेडलॉक भी हो रहा है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 134, गिवन बिलो इज अ प्रोग्राम विच व्हेन एग्जीक्यूटेड रिस्पॉन्स टू कॉन्करेंट प्रोसेसेस, सीमाफोर x इक्वल टू 0 है और दो प्रोसेस है P1 P2 जो सिंगल सीमाफोर को यूज कर रही है, उसके बाद में दो सेंटेंस दिए हुए हैं, दो स्टेटमेंट्स दिए हुए हैं, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट प्रोसेस P1 एंड P2, तो ये कह रहा है कि इट इज़ पॉसिबल फॉर प्रोसेस P1 टू स्टार्व और इट इज़ पॉसिबल टू प्रोसेस P2 टू स्टार्व, क्या इन दोनों में स्टार्वेशन हो सकता है, या दोनों में से एक में भी नहीं, या फिर दोनों में स्टार्वेशन हो सकता है, तो ये देखना है हमें। अब यहाँ पे क्या होगा, x इक्वल्स टू 0 है तो ऑब्वियसली P2 तो जा ही नहीं सकती है क्रिटिकल सेक्शन के अंदर, पहले P1 को ही जाना पड़ेगा, ओके P2 क्यों नहीं जा सकती है, क्योंकि P2 अगर पहले स्टार्टिंग में P2 जाने की कोशिश करेगी तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, -1, और ये हाँ अगर आपको बताया कि अगर आपकी सीमाफोर की वैल्यू लेस देन 0 है तो प्रोसेस वेटिंग स्टेट में चली जाएगी और ये वेट करती रहेगी कब सीमाफोर की वैल्यू 1 हो, तो पहले तो ये जा ही सकती है, लेकिन P1 जा सकती है, P1 में क्या है, पहले सिग्नल ऑपरेशन है, V ऑपरेशन क्या करता है, वैल्यू को इंक्रीमेंट कर देगा 0 से 1 कर देगा +1, और फाइनली क्रिटिकल सेक्शन में जाएगा और बाहर आने से पहले उसकी वैल्यू फिर से 0 कर देगा, ओके तो P1 जो है वो बार बार एग्जीक्यूट होती रहेगी, अगर P1 को बार बार एग्जीक्यूट होना है तो P1 बार बार एग्जीक्यूट हो सकती है, लेकिन P2 जो है वो इसमें अगर आप ध्यान से देखें तो प्रोग्रेस रिक्वायरमेंट सेटिस्फाई नहीं हो रही है, क्यों, क्योंकि P2 जाना चाहती है क्रिटिकल सेक्शन में लेकिन वो P1 की वजह से जा नहीं पा रही है, क्योंकि जो सीमाफोर है उसकी वैल्यू क्या है, 0 है, लेकिन पहले P1 को उसकी वैल्यू 1 करनी है तभी P2 जा सकती है, तो P1 उसको रोक रही है जाने से, इसलिए प्रोग्रेस रिक्वायरमेंट नहीं है, तो स्टार्वेशन लग रहा है, यस P2 में स्टार्वेशन पॉसिबल है, क्योंकि P2 कभी भी क्रिटिकल सेक्शन में जा ही नहीं पाएगी अगर ये पहले एग्जीक्यूट होने की कोशिश करेगी, तो P2 में स्टार्वेशन है, यानी कि इट इज़ पॉसिबल प्रोसेस P2 टू स्टार्व, P1 में स्टार्वेशन हो सकता है, सपोज करो इसने VX ऑपरेशन एग्जीक्यूट किया, VX ऑपरेशन एग्जीक्यूट करते क्या हो गया, X की वैल्यू 1 हो गई, जैसे इसने ये ऑपरेशन एग्जीक्यूट किया, अब इसके बाद में क्या हुआ, कॉन्टेक्स्ट स्विच हो गया, अब यहाँ से कॉन्टेक्स्ट स्विच कर गया प्रोसेस P2 पे, अब P2 एग्जीक्यूट होना स्टार्ट हुई, उसने वेट ऑपरेशन लगाया,
उसने जीरो कर दी वैल्यू को और फाइनली क्रिटिकल सेक्शन में जा सकती है क्योंकि वैल्यू इक्वल टू जीरो है। तो आप वैल्यू को डिक्रीमेंट करने के बाद में चेक करते हो। तो आप क्रिटिकल सेक्शन में गए, सिग्नल ऑपरेशन करा, वन हो गया। फिर से P2 जाने में इंटरेस्टेड है तो चली जाएगी क्योंकि ऑपरेशन की, क्योंकि वैल्यू वन है। वन से सिग्नल ऑपरेशन के बाद में जीरो हुई, क्रिटिकल सेक्शन में गए, फिर सिग्नल ऑपरेशन ने इसको वन कर दिया। तो P2 बार 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 क्रिटिकल सेक्शन में जाती रहेगी और P1 हमेशा वेट करती रह जाएगी। तो P1 भी क्रिटिकल सेक्शन, P1 भी स्टार्व कर सकती है। इसने कहा है कि इट इज़ पॉसिबल, पॉसिबल मतलब क्या है कि एक केस में भी स्टार्वेशन पॉसिबल है तो आप क्या कहोगे कि हाँ स्टार्वेशन पॉसिबल है। ओके, इट इज़ पॉसिबल। सो बोथ वन एंड टू आर ट्रू, दोनों दोनों में स्टार्वेशन पॉसिबल है, P1 में भी और P2 में भी।